जब हम लास्ट टाइम गोवा आए थे मोजी गांव, तब भी हमें बहुत अच्छा लगा था, इसलिए इस बार हम अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आए और उन्हें भी ये बहुत पसंद आया। थैंक यू। जेमिनी वर्गो। पापा ही कौन सी थे? सच रिफ्रेशिंग डिश यार, बहुत सही है। भाई स्माइल करते दिख रहे हो मुझे, मस्त एकदम से चिल करते हुए। क्या ये मोजीगांव फूड? द मोजीगांव वाइब है ये सर, वी कॉल इट द मोजीगांव वाइब। सो दिस इज विद द ग्रीनरी अराउंड इट, द फूड, द काइंड ऑफ फूड वी आर सर्विंग, द काइंड ऑफ पीपल वी आर सर्विंग, मोस्ट इंपोर्टेंटली मेक्स इट गिव्स अस द एनर्जी। वाइब की पार्ट होगी, मोजीगांव आपका पार्ट है, हम दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। हम जो है मोजी गांव का एक पूरा घेरा मार रहे हैं और एल्विन हमको इसमें जो है पूरा रास्ता दिखा रहे हैं। इज द लाइब्रेरी दैट वी हैव हियर, मोर ऑफ एन एम्प्टी स्पेस फॉर पीपल टू वर्क, रीड, डू देयर ओन आर्ट, राइट, डू एनी काइंड ऑफ लिटरेचर वर्क। ओके, आपकी बुक्स लेके आ सकते हैं अगर आपका पढ़ के ऑलरेडी हो चुका है, यू कैन ऐड देम अक्रॉस टू द कलेक्शन एंड यू कैन टेक अ फ्यू बुक्स फॉर योरसेल्फ आल्सो। ये नर्सरी है जो यहाँ के बंदे ने अपने आप क्यूरेट करी है, पूरी की पूरी अपने आप में बहुत कमाल है। पत्ता भी देख कितना स्टाइल है। अभी हम जो भी खा रहे हैं ना, हमें ये फील हुआ कि मतलब लाइट लग रहा है। वो प्रायोरिटी है सर, बिकॉज वी ट्राई मेकिंग श्योर कि जो चीज़ सीजन में है वो उसी सीजन में आए। ये मोजी गांव का एक्सपीरियंस देख रहे हो भाई तुम? हैं? Take the hands inside the chair first. Hold the front legs. Also known as the birds of paradise, hanging birds of paradise, sorry. आप इस जंगल में रुक भी सकते हैं, मोजी गांव के पास स्टेज भी हैं और कॉटेज इतनी शानदार है, आपको मैं इसका एक दौरा कराता हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। वाओ, एक्चुअली इसको हम कहते हैं जंगल में मंगल। वाकई में यार, जंगल के अंदर रहते हुए सारी एकदम ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ आपको हर चीज़ यहाँ पे जो है परोसी जाएगी। Homemade tomato sauce on the bed. You got the blue cheese arancini balls, which are nothing but your arborio rice balls with a filling of blue cheese inside. This is the binding factor to your tapas, right? These are focaccia breads. Thank you. Oh, yeah, baby. Cheers, Mojiga. Ungliya chaat jao, aisa swaad hai. Light hai. ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मतलब ये टेस्ट हमें रोज़ नहीं मिलता ना, तो कुछ अलग है। ये आपका फ्रूट सैलेड राइट है, आइसक्रीम अलोंग विद दैट, नट्स राइट है। यहाँ आके हमें पता चला मोजी गांव गोवा के फेमस कैफे अर्जुना का ही एक आउटलेट है, एंड नाउ अर्जुना हैज 4-5 सच आउटलेट्स। हमने अपने 10 दिन के गोवा ट्रिप पर इन सब को एक्सप्लोर किया। अब बारी है अर्जुना के दूसरे आउटलेट की, जिसका नाम है सना। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप घंटों बैठ के लैपटॉप पर काम करते हुए डिलीशियस डिशेस का मजा ले सकते हो। रिप्लेस योर ग्रीन्स टुडे। Is the star of your super salad? Yes, it is. Superstar. It not is not super salad, superstar. मतलब हमारे family को ऐसे salad खाते हुए I'm seeing it for the first time. ये था ना salad में? Yeah. और एक और वो उधर talenium था। इनके किचन गार्डन को एक्सप्लोर करते हुए we learned about permaculture, which is a self-sufficient and sustainable way of agriculture. यहाँ हर चीज जैसे ग्रीन हो, चाहे वो खाना हो या खेतों का नजारा।
अर्जुना। ये अर्जुना की सबसे पुरानी ब्रांच है और यहाँ की वाइब कमाल की है। लाइफस्टाइल शॉप्स, लाइब्रेरी, रेसलिंग की ट्रेनिंग एंड व्हाट नॉट। टेबल टेनिस में तो मजा ही आ गया। नॉर्थ इंडियन थाली भिंडी है, राजमा दाल, पालक, गोभी और एक स्वीट डिश और राइस। Let's try, राजमा। ये सब के बाद ड्रिंक्स और खाना तो जैसे जन्नत लग रहा था। We tried their vegetarian thali and it was amazing. अर्जुना मेंड्रम, ये मेंड्रम बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हमने सोचा था एक छोटा सा स्टॉप लेके सीधा बीच पर जाएंगे, पर यहाँ की वाइब इतनी कोजी थी कि एक बार बैठ गए तो फिर उठने का नाम नहीं। क्या चीज है ये? प्लाजो है, गाउन है, ये टू पीस ड्रेस है। आप अच्छा लगेगा एकदम पक्ता पक्ता शाक्शुगा है। मैं पापा को बहुत टाइम से कह रहा था कि मैं शाक्शुगा खिलाऊंगा आपको, और ऐसी जगह पे शाक्शुगा खिला रहा हूँ, फील आ रही है। हाँ पापा, तो देखते ही आ गई, देखते ही आ गई। ऐसा लग रहा है बस खा जाए। खा जा फिर। चाटेगी इसको हैं? अगर मैं कर सकती हूँ ऐसा। कर सकती है? इतना टेस्टी है। कहाँ निकाल लेगी? उसकी सुराग भी खत्म हो गई, कहाँ कहाँ से निकाल लेगी? देखिए है, अभी बहुत है, दिख नहीं रहा बट है। वेरी टेस्टी। हम जी क्या है ये? यहाँ की स्पेशलिटी है बुरेक का, सो आई एम गोना ट्राई इट। तो रुक ही नहीं रही है, कितना कुछ खाया जा रही है। क्या ये लोग इतना अच्छा अच्छा बनाते हैं, मैं क्या करूँ? डिफरेंट है, अंदर से ऐसे लग रहा है मलाई मलाई घुल गई मुंह में, और बाहर बहुत मलाई। बिना कुछ करे आप बैठे रहोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कब घंटों निकल जाएंगे। आँखों में गया। इसका खाने का स्टाइल मैं बताता हूँ। अच्छा, ओके, यस यस। आपको ऐसे हाथ पे रखूँ यहाँ से? रास्ता बहुत लंबा है, मंगेशी टेम्पल जाना है। एक से डेढ़ घंटा लगेगा पहुँचने। मुझे लगता है अर्जुना का यहाँ पे एक आउटलेट है बादेम बाड़ेम में, ठीक है, वहाँ से टेक अवे लेते हैं। और आपको भूख नहीं लगी क्या? अरे मैंने तो वो कौन सी समोदी थी वो पीनी थी। कौन सी थी? कौन सी वाली? ओ, फुल बार स्मूदी। फुल बार। आप सब ये लोगे तो खाना में पैक क्या कराएंगे? नहीं नहीं, पीने के लिए ही। आप चलो पी लेते हैं। अच्छा चलो, ड्रिंक्स फ्रेश ही आते हैं और पैक करा के फिर मंगेशी टेम्पल में वहाँ जाके। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अर्जुना बाडेम, गोवा की फेमस वेगेटर रोड के बिल्कुल बीच में ये कैफे एक परफेक्ट चिलिंग स्पॉट है। जो आगे खाओ। चाहे आप यहाँ पे बैठ के कुछ स्नैकिंग करो या फिर चलते फिरते टेक अवे ले लो, हमने दोनों का मजा लिया। मेरा तो पेट फटने वाला है। मैंने पहले ही कहा था कि तुम स्मूदी खाओगे, एक फुल पावर स्मूदी लोगे, बोल लोगे, और उसके बाद तुम्हें ये पैक भी कराना था। बट टेस्टी तो बहुत था, मजा आया।